हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे इम्पॉर्टेंट आईपीओ के रिलेटेड, अग्नि ग्रीन आईपीओ के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। अग्नि ग्रीन पावर आईपीओ के रिलेटेड बात करें तो इस आईपीओ के रिलेटेड जो भी डाटा और फिगर देखने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसको आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखकर स्टडी के लिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे की रीज़न क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस आईपीओ की बात करें तो 20 जुलाई से इस कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डेट ओपन रखा गया हुआ था। 22 जुलाई इस कंपनी के आईपीओ की डेट क्लोजिंग डेट रखी गई हुई थी। 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस रखा गया हुआ था, और यहाँ पर देखा जाए तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रखा गया हुआ है। इस आईपीओ की बात करें तो 5.25 करोड़ की इशू साइज टोटल देखने को मिली थी, और NSE SME पर यह कंपनी आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और अप्लाई करते समय 10,000 इक्विटी ऑफ शेयर 10,000 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी इस आईपीओ में। इस आईपीओ के रिगार्डिंग बात तो अग्नि ग्रीन पावर आईपीओ के रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो HNI कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिला था 22 जुलाई तक, उसकी बात करें तो यहाँ पर 107.40 times IPO सब्सक्राइब हुआ था। 107 गुना IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले थे, यानी कि 107 गुना एप्लीकेशन इस IPO में आते हुए आपको देखने को मिला था। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो 39.92 times IPO सब्सक्राइब हुई थी। ओवरऑल इस IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 40 times IPO यानी कि 40 गुना IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलती है। HNI कैटेगरी का यहाँ पे इंटरेस्ट इस IPO की आने वाले समय में जो तेजी है और लिस्टिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगी, और इस कंपनी की अच्छी लिस्टिंग गेन आपको मिलते हुए देखने को मिल सकती है यदि कोई बड़े रिटेलर्स इस IPO में अप्लाई किए हुए तो। ओवरऑल इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन फिगर इस IPO की देखने को मिली थी वो 73.66 times IPO सब्सक्राइब होता। ओवरऑल एक अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर इस IPO में देखने को मिली थी। यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो पहले दिन ही पॉजिटिव आपको सेंटिमेंट देखने को मिली थी। पहले दिन ही IPO ओवर सब्सक्राइब इन दोनों कैटेगरी में देखने को मिला। टोटल ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला था ओवर सब्सक्राइब पहले दिन देखने को मिली, दूसरे दिन भी ये सिलसिला आपको कंटिन्यू रहा, और दूसरे दिन भी अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर इस IPO के देखने को मिली, और तीसरे दिन तो काफ़ी अच्छे इस कंपनी के जो एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला, जिसके कारण से 74 गुना यानी कि कह सकते हैं 74 गुना IPO सब्सक्राइब होते हुए आपको देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल ये SME कंपनी है तो छोटे रिटेलर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अप्लाई करने से अवॉइड किया जाता है, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास सफिशियंट अमाउंट हो तो उस समय आप इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी में IPO में इन्वेस्टमेंट इस तरीके के SME कंपनी में अप्लाई करके करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहती है, तो उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड भी मिलते हुए देखने को मिलता है। इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड आज के डेट में यहाँ पर 29 जुलाई कल के डेट में यहाँ पर जो आपको शेयर अलॉट हुए वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाएगा, और 1 अगस्त को यह कंपनी NSE SME पर लिस्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। मीन्स यहाँ पर 1 अगस्त को इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और वैसे इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो इस कंपनी में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो 1 लाख रुपीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे, जिसके लिए 2 लाख रुपीज़ के यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रही थी। ओवरऑल इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो इस कंपनी में एक अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिल रही है, और इस अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर की लिस्टिंग गेन में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। वैसे जिस तरीके के HNI का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उसके अनुसार से इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छे गेन और एक अच्छे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें छोटे रिटेलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करनी चाहिए। स्वागत करते हैं कि आप सभी दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय।